गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडेज लेक्चर ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में बेसिकली हम ये समझेंगे कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है और इसको कहाँ पे अप्लाई करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा पॉसिबल है उतना ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल बेसिकली होता क्या है। फ्रेंड्स, याद रखिएगा, कोई भी बॉडी जब हम उसको पानी के अंदर डुबाते हैं, इन दैट केस पानी जो है वो उसके ऊपर एक अपोजिट फोर्स लगाता है। एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताता हूं। आप कभी भी फुटबॉल लीजिएगा और उसको आप पानी में दबाने की कोशिश कीजिएगा। जब आप फुटबॉल को पानी में दबाते हैं तो आपको बेसिकली ऐसा फील होगा कि वो जो फुटबॉल है वो आपके ऊपर एक अपोजिट फोर्स लगा रहा है आपके हाथ के ऊपर और बॉल को नीचे नहीं जाने दे रहा है। सो फ्रेंड्स, बेसिकली होता क्या है, जब भी आप किसी मटेरियल को पानी में डिप करते हैं, पानी में आप उसे दबाते हैं, तो पानी जो है वो उसके ऊपर एक अपोजिट बायोइंट फोर्स लगाता है। और जो फ्रेंड्स ये बायोइंट फोर्स लगती है, ये फोर्स बेसिकली जो आपका मटेरियल है उसने जो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस किया है उसके वेट के बराबर होता है। फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि जो बायोइंट फोर्स होती है ये बेसिकली इज इक्वल टू द वेट ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द वॉटर डिस्प्लेस्ड बाई दैट पर्टिकुलर मटेरियल। लाइक फ्रेंड्स, आप केस नंबर डी देखिए, इस केस में ये जितना पूरा का पूरा मटेरियल बॉडी आपका पानी के अंदर है, टोटल इस पूरे वॉल्यूम का जो वेट होगा ये बेसिकली बायोइंट फोर्स के बराबर होगा। सी नंबर केस में आप देखिए तो ये आपका आधा डिप है, आधा ऊपर है, तो जो फ्रेंड्स इस केस में आपकी बायोइंट फोर्स लगेगी वो बेसिकली जितना ये डिप्ड पोर्सन है इसने जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस किया होगा उसके वेट के बराबर होगी। सो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये कहता है कि कोई भी मटेरियल, चाहे वो पानी में पार्शियली डिप हो या फिर फुली डिप हो, उस पर लगने वाली जो बायोइंट फोर्स होती है वो बेसिकली बराबर होती है वेट ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय दैट पर्टिकुलर मटेरियल। सो फ्रेंड्स, होप आपको आर्किमिडीज प्रिंसिपल की बेसिक डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक बार डेफिनेशन पढ़ के भी बता देता हूं। एनी बॉडी कंप्लीटली और पार्शियली सबमर्ज्ड इन अ फ्लूइड इज एक्टेड अपॉन बाय एन अपवर्ड बायोइंट फोर्स। द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट फोर्स इज इक्वल टू द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। नाउ फ्रेंड्स, इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है, जो आपकी बायोइंट फोर्स है ये बेसिकली आप किसी मटेरियल को अंदर की तरफ दबा रहे हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि कोई मटेरियल जो है वो सरफेस पे तैरता रहता है तो कोई मटेरियल आपका डूब जाता है। तो फ्रेंड्स, इसके पीछे बेसिकली क्या फेनोमेना है वो समझना जरूरी है। इसके लिए फ्रेंड्स हम शुरू करते हैं एग्जांपल डी से। फ्रेंड्स, एग्जांपल डी को आप देखेंगे तो यहां पे आप देखिए कि जो लगने वाली बायोइंट फोर्स है वो आपके जो उसने वाटर डिस्प्लेस किया है उसके वेट के बराबर है। सो फ्रेंड्स, इन फर्स्ट केस बोथ वैल्यूज आर बराबर, तो आपका जो मटेरियल है वो फ्लोट करता रहेगा। फ्रेंड्स, आप सेकंड केस में देखिए, जो आपकी लगने वाली बायोइंट फोर्स है वो भी आपके वेट के बराबर है, इसीलिए आपका जो मटेरियल है वो बेसिकली फ्लोट कर रहा है। बट फ्रेंड्स, आप देखिए इस वाले केस में, केस बी में, इस केस में फ्रेंड्स आपका क्या है, अगर जो आपका वेट है, मींस फ्रेंड जो आपका वेट है, आपका जो बॉडी का वेट है वो बेसिकली उससे लगने वाला जो बायोइंट फोर्स है अगर उससे ज्यादा होगा तो आपका जो मटेरियल है वो बेसिकली फ्रेंड्स सिंक कर जाएगा। एंड फ्रेंड्स, केस नंबर ए आप देखिए, अगर जो आपका बॉडी का वेट है वो लगने वाले बायोइंट फोर्स से कम होगा तो आपका जो मटेरियल है वो बेसिकली ऊपर की तरफ राइज करने लगता है। सो फ्रेंड्स, कोई भी मटेरियल पानी में तैरता है, डूबता है, ऊपर की तरफ मूव करता है या नीचे की तरफ मूव करता है, ये बेसिकली इस चीज पे डिपेंड करता है कि उस पे लगने वाली जो बायोइंट फोर्स है वो टोटल वॉल्यूम जो उसने पानी डिस्प्लेस किया है उसके वेट को किस तरीके से बैलेंस कर रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया, वो डूब सकता है, राइज कर सकता है और फ्लोट भी कर सकता है। सो फ्रेंड्स, होप आपको अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल ही बेसिक कॉन्सेप्ट होता है किसी भी मटेरियल के, आपके तैरने के ऊपर, डूबने के ऊपर एंड ऑल अदर थिंग्स। सो फ्रेंड्स, एक मैं एग्जांपल आपको देता हूं, बायोन्सी का एग्जांपल। फ्रेंड्स, जैसे कि इस डायग्राम को देखिए, मैंने आपको बताया कि जब आप इस फुटबॉल को पानी के अंदर डिप करेंगे तो आपके ऊपर एक अपवर्ड बायोइंट फोर्स लगेगी,
सो फ्रेंड्स, ये जो बायोइंट फोर्स होगी, ये फोर्स बेसिकली बराबर होगी जो वेट पानी का ये बॉल डिस्प्लेस करेगी उसके बराबर। सिमिलरली फ्रेंड्स, ये आप एग्जांपल देखिए, तो यहाँ पे आप देखेंगे आपका जो आपका ये मेजरिंग कांटा है, ये बेसिकली 10 केजी पे 10 केजी का वेट है इसमें। जब आपने इसको पानी के ऊपर डिप किया, जब आपने इसको पानी के ऊपर दबाया, तो फ्रेंड्स ये मूव करके 6 केजी पे आ गया। ये ऐसा फ्रेंड्स इसलिए हुआ क्योंकि 4 केजी जो पानी है वो 4 केजी पानी इसने डिस्प्लेस कर दिया और इसकी जो रीडिंग है वो आपका 4 केजी कम हो गई। फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये जो रीडिंग 4 केजी कम हुई है, ये इसलिए कम हुई है क्योंकि जैसे ही ये आपका 10 केजी का वेट अंदर गया, 4 केजी की बायोइंट फोर्स लगी और 4 केजी ऑफ वाटर यहां से डिस्प्लेस हो गया। तो फ्रेंड्स हमेशा याद रखिएगा, टोटल बायोइंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज बेसिकली इक्वल टू द वेट ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट। दिस इज बेसिकली आर्किमिडीज प्रिंसिपल। नाउ फ्रेंड्स, एक एग्जांपल जो आपने काफी ज्यादा सुना होगा कि एक पानी का जहाज जो है वो पानी के ऊपर तैरता रहता है, लेकिन एक छोटी सी सुई या फिर एक छोटा सा वेट वो बेसिकली पानी में डूब जाता है। इसके पीछे रीजन क्या होता है? फ्रेंड्स मैंने आपको जैसा कि पहले बताया कि पानी का जो आपका जहाज होता है वो बेसिकली काफी बड़ा होता है, तो वो जो वाटर डिस्प्लेस करता है, उसने जो वाटर डिस्प्लेस किया वो वाटर का जो वॉल्यूम का वेट है वो बेसिकली आपका जो शिप का वेट है उस डिस्प्लेस्ड वाटर के ऊपर जो लगने वाली बायोइंट फोर्स है वो फोर्स उस वाटर के वेट को बैलेंस कर लेती है, जिसकी वजह से आपका शिप कभी भी नहीं डूबती है। लेकिन फ्रेंड्स अगर आप बात करें एक सुई की या फिर एक छोटे से वेट की, सो फ्रेंड्स उसके केस में क्या होता है, जो उसने टोटल वॉल्यूम वाटर का डिस्प्लेस किया वो वॉल्यूम क्या होता है, आपके जो बायोइंट फोर्स ऊपर लग रही है वो उसको बैलेंस नहीं कर पाती है, बिकॉज जो आपका आपका जो वॉल्यूम है, जो वेट है, वो जो वेट है आपका टोटल आपके मटेरियल का वेट, वो बेसिकली उस बायोइंट फोर्स को आपको बैलेंस नहीं कर पाता है। तो इसलिए जो आपका मटेरियल है वो बेसिकली नीचे की तरफ आपका सिंक करने लगता है। फ्रेंड्स दोबारा रिपीट करता हूं, मैंने आपको पहले भी बताया था, कोई भी मटेरियल आपका तभी फ्लोट करता है जब लगने वाली जो बायोइंट फोर्स है वो बेसिकली बॉडी के वेट के बराबर होती है। नाउ फ्रेंड्स, शिप आपकी काफी बड़ी रहती है, तो इन दैट केस आर्किमिडीज प्रिंसिपल आपका ये बोलता है कि जो बायोइंट फोर्स है वो बेसिकली आपकी बराबर होती है जितना आपने वाटर का वॉल्यूम डिस्प्लेस किया उसके वेट के। सो फ्रेंड्स अगर ये जो लगने वाली बायोइंट फोर्स है, इस केस में काफी बड़ा वॉल्यूम आपने पानी का डिस्प्लेस किया है, तो जो लगने वाली बायोइंट फोर्स है वो बेसिकली शिप के वेट को बैलेंस कर लेती है, जिसकी वजह से आपकी जो शिप है वो हमेशा तैरती रहती है। बट एक छोटी सी सुई या फिर एक छोटे से वेट के केस में ऐसा नहीं होता है, आपकी जो बॉडी का वेट है वो आपकी बायोइंट फोर्स से ज्यादा होता है, जिसकी वजह से वो नीचे की तरफ डूब जाता है। फ्रेंड्स इस स्लाइड में बेसिकली आप देखेंगे तो मैंने आपको एक डायग्राम दिखाया है जिसमें आपका एक मटेरियल है जो आपका लिक्विड के अंदर सबमर्ज्ड है। फ्रेंड्स इस केस में बेसिकली आपका दो फोर्सेस लग रही हैं, एक फोर्स आपका F1 लग रही है टॉप से और एक फोर्स आपका F2 लग रहा है बॉटम से। सो फ्रेंड्स जो नेट फोर्स होगा, मींस जो नेट बायोइंट फोर्स होगा, वो बेसिकली इन दोनों का डिफरेंस होगा, बिकॉज आपको भी पता है कि जो कोई भी मटेरियल है उसके लगने वाला जो फोर्स होता है वो बेसिकली होता है ρgh into area। सो फ्रेंड्स इस केस में आप देखेंगे तो ये जो F2 फोर्स है उसकी वैल्यू F1 फोर्स से हमेशा ज्यादा होगी, बिकॉज ये आपका वाटर का हाइड्रोस्टैटिक फोर्स है। सो फ्रेंड्स इस केस में आप देखिए तो ρgh into area माइनस आपका H2 minus H1। सो फ्रेंड्स इस केस में जो आपकी बेसिकली फोर्स निकल के आई वो आई ρgA into delta H, जो फाइनल आपकी वैल्यू आ गई ρf into V into G, दैट इज मास इंटू ग्रेविटी। सो फ्रेंड्स जो नेट बायोइंट फोर्स आई वो बेसिकली आपका जो लिक्विड का वेट है उसको बैलेंस करेगी, मीन्स F2 minus F1 इज इक्वल टू द वेट ऑफ दैट पर्टिकुलर मटेरियल। फ्रेंड्स ये एग्जाम्पल मैंने आपको इसलिए समझाया क्योंकि बाकी सारे केसेस में मैंने आपको एक सबमर्ज्ड कंडीशन दिखाई थी कि आपका थोड़ा बहुत वो सबमर्ज्ड है, इस केस में मैंने आपको फुली डिप्ड आपका आपका मटेरियल दिखाया है ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके कि बेसिकली जब कोई मटेरियल आपका लिक्विड के अंदर डिप होता है तो उसके ऊपर जो आपका बेसिकली प्रेशर लगता है वो होता है आपका ρgh,
और उसी को आप फोर्स के टर्म में जाएंगे तो रो जी एच इंटू एरिया, जो मैंने यहां पे आपको अप्लाई करके दिखाया है कि आपका जो नेट में बायोइंट फोर्स लगेगी वो बेसिकली एफ टू आपकी एफ वन से ज्यादा हो गया हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, इसलिए एफ टू माइनस एफ वन इज इक्वल टू रो जी ए इंटू एच टू माइनस ऑफ एच वन, जो वैल्यू फाइनली आपकी आती है मास ऑफ मटेरियल इंटू ग्रेविटी। सो फ्रेंड्स याद रखिएगा, बायोइंट फोर्स हमेशा आपका टोटल वेट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय दैट मटेरियल होती है। फ्रेंड्स आर्किमिडीज प्रिंसिपल के केस में इतना ही, होप आपको आर्किमिडीज प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। फ्रेंड्स कल के लेक्चर में बेसिकली मैं आपको बताऊंगा कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है और उसको किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।